मैं अपना पढ़ाई कलकत्ता में किया था, वहाँ से फिर पारिवारिक समस्या होने के कारण मेरे पिताजी मुझे गांव में बुला लिए। ये 1967-68 की बात है। फिर 1971-72 में 71 साल में हमारे यहाँ पर CPIM का प्रार्थी पहली बार खड़ा हुआ था, कभी भी वहाँ से हमारे पार्टी का प्रार्थी नहीं था। मैं एक इस कॉलेज से फिर वापस आया हुआ लड़का, जहाँ CPIM की मीटिंग थी वहाँ पहुँच गया और बोला हमारे इलाके में हम संगठन करना चाहते हैं। कमरेड हरे कृष्ण कोनार हमारे आद्रा में आए थे, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी और वहीं पर हमारे प्रार्थी हमारे कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट हुआ था। हम वहाँ पर जाकर वहाँ के लीडरों से मिले और लीडर लोग ने हमें एक पता दिया। हम खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और फिर हम लोगों को पार्टी ऑफिस खोलने का और वहाँ पर हमारी पार्टी का प्रचार करना, हमारे प्रार्थी हमारे कैंडिडेट का जैसे जनता के पास हम उसको ले जा सकें, इसकी बातें हमें कही गई। पार्टी ने जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने एक ऑफिस वहाँ पर खोला, क्योंकि कोई भी हम लोग को ऑफिस के लिए घर देने के लिए तैयार नहीं था, जिसका भाड़ा उस समय पर 1971 साल में 20 रुपया था, उसको हम लोगों ने 200 रुपया में भाड़ा लेके ख़रीदा। उसके बाद हमारे प्रार्थी के प्रचार के लिए हमने वॉल राइटिंग जब शुरू की, तो मेरा दादा माने मेरा बड़ा भाई वो कांग्रेस का नेता था। हम लोग दिन में पोस्टरिंग नहीं कर सकते थे, रात में हम लोग लाइट जलाकर पोस्टरिंग करने निकले थे और दूर से कोई भी लाइट आती थी, उस समय गाड़ी घोड़ा कमती चलता था, दूर से कोई लाइट देके हम लोग छुप जाते थे। दूसरे दिन जब हमारे इलाके में पोस्टरिंग की भरमार उन लोगों ने देखी तो वे लोग हक्के बक्के हो गए, किस तरह इस पार्टी को रोका जाए। उसी समय पर एक आम हड़ताल वहाँ पर बुलाई गई और उस हड़ताल में हम लोग ने शिरकत की और उस शिरकत करने के कारण मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा पीटा। इस तरह से उसके बाद पार्टी उस साल हम लोग जीत नहीं सके थे। फिर आया 77 का ज़माना, मैं यूथ फेडरेशन DYF का मेंबर बनकर इलाके में काम करने लगा। पंचायत विधानसभा का वोट आया, जनता पार्टी की लहर थी, किंतु जनता पार्टी के रवैये के कारण हमारा प्रार्थी वहाँ से हमारा कैंडिडेट वहाँ से पाड़ा इलाका से जीत गया 1400 वोटों से। वो एक तो बहुत अभूतपूर्व सफलता थी, इलाके में हमारा दबदबा बढ़ने लगा। कॉमरेड प्रमोद दासगुप्तों के लीडरशिप में वो पार्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐलान पंचायत का ऐलान किया, जो कॉमरेड ज्योति बसु जिस दिन शपथ लिए उस दिन उन्होंने कहा ये हमारी सरकार एक नई मिसाल कायम करेगी, हम इस राइटर्स बिल्डिंग से सरकार नहीं चलाएंगे, हम जनता के बीच जाकर सरकार चलाएंगे। उसी के मद्देनज़र हमारे पार्टी सेक्रेटरी कॉमरेड प्रमोद दासगुप्तों ने आवाज़ बुलंद की, ये पंचायत निर्वाचन में जो सूदखोर महाजन ये सब हैं उन सब के विरुद्ध में साधारण तबके के आदमियों को लाना पड़ेगा। पार्टी मुझे भी प्रार्थी की, ब्लॉक के प्रार्थी को पंचायत समिति कहा जाता है, मैं वहाँ से जीता। यदि भी पंचायत हमारी नहीं हुई किंतु पंचायत समिति में हम लोग अच्छी तरह से काबिज होकर वहाँ पर आए और मुझे सभापति बनाया गया। मैं सभापति बनते ही इलाके में और पार्टी का दबदबा बढ़ते ही चारों तरफ किसान आंदोलन मजदूरी आंदोलन का हम लोग ने ऐलान किया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े जमींदार थे जोतदार, उनके यहाँ पर एक बटाईदार की ज़मीन का धान काट लिया गया था और हमारी कॉमरेड ज्योति बसु की मीटिंग रघुनाथपुर में थी, वहाँ हमें जब खबर मिली, हम खबर मिलते ही हमारे लीडर थे कॉमरेड उस समय पर हमारी जिले को देख रेख करते थे कॉमरेड विमान बसु, उन्होंने कहा तुम लोग मुकाबला कर सकते हो तो करो। हम लोग उनके आदेश पर वहाँ से करीब 200 आदमी के नेतृत्व में 200 आदमी को लेकर ट्रक में बैठ के रात में चावल दाल जुटाकर वहीं पर रात में उस गांव का नाम लिपानिया है, वहां पर हम लोग खाना पीना करके सुबह जोतदार जो जिस ज़मीन से हमारे बटाईदार को हटा दिया था हम लोग उस जगह गए और उसने अपने गुंडों के साथ हमारे ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। मुझे कोई अनुभव नहीं था उस लड़ाई का, उन्होंने तीर धनुष से छोड़ना शुरू किया, मेरे दो जगह तीर लगी, चारों तरफ हेडलाइंस न्यूज़ वेस्ट बंगाल में हुई कि पंचायत समिति का सभापति
मरने लायक हो गया है, किंतु जनता की सहानुभूति, पार्टी का रुतबा सब बढ़ने वाला था। मैं और भी ज़्यादा इलाके में काम करने का मौका मुझे मिला। ऐसे करते करते हम लोगों ने पंचायत कायम की। पंचायत सभापति होकर मैंने गरीबों का काम करने की चेष्टा की। दूसरी बार भी मैं पंचायत में इलेक्टेड हुआ। हमारी सब 10 की 10 ग्राम पंचायत है उस ब्लॉक में, सभी को हम लोग उसके नेतृत्व में आ गए और इलाके में ठीक से काम होने लगा। पार्टी भी जो 1977 साल में हमारे केवल उस इलाके में 16 पार्टी मेंबर थे, जो 1980-81 में आके करीब 600 पार्टी सदस्य हो गए। उसके बाद 2011 साल तक हमारी पार्टी उस इलाके में वर्चस्व कायम करती रही। हम एक समय पर तो पश्चिम बंगाल के भीतर 10वें स्थान में थे। हमारा प्रार्थी दलित महिला बिलासी बाला सही को जिताकर 50,000 वोटों से हम लोगों ने जय हासिल की। और इस तरह इलाके में हमारी पंचायतें कायम होने से हमने गरीबों के हाथ में अधिकार, गरीबों की ज़मीन का अधिकार, गरीबों के प्रशासन में भागीदारी का हथियार उन लोगों के हाथ में जब आ गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। जितने भी धन्ना सेठ, जितने भी बुर्जुआ पार्टियां थी, वो लोग सब एक होके हमारे विरुद्ध में बहुत तरह की घटनाओं का मन मुताबिक प्रचार करके हमारे विरुद्ध एक घृणा कायम करने की चेष्टा की।